देहरादून के ISBT से लेकर घंटाघर तक बड़े पैमाने में किए गए अतिक्रमण कार्यवाही की गई, जिससे वहां मौजूद व्यापारियों ने भारी विरोध किया। पुलिस की अलग अलग 6 टीमों ने सुबह 7 बजे से भारी पुलिस बल के साथ कार्यवाही शुरू की। देखते ही देखते व्यापारियों का विरोध भी सड़कों पर आ गया। देहरादून में प्रशासन ISBT से लेकर घंटाघर तक बड़े पैमाने पर किए गए अतिक्रमण पर कार्यवाही की, जिसका व्यापारियों ने भारी विरोध किया। आपको बता दें कि प्रशासन ने अलग अलग 6 टीमें बनाकर इस कार्यवाही को अंजाम दिया था। ये घंटाघर ISBT के ये अभियान है, लगभग 6 किलोमीटर ये पैच है और लगभग 2 महीने से इसकी तैयारियां चल रही थी और ये सूचनाएं भी लगभग सभी के पास थी और कई कई बार जाके उनको बता दिया गया था, यहाँ तक कि निशानदेही भी की गई थी, लाल निशान लगाए गए थे और स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है कि जहाँ मतलब 60 फुट रोड है वहाँ कहीं 54 हो गई, 50 हो गई, उसको पूरा किया जा रहा था। सबको विरोध हुआ है जरूर, क्योंकि किसी का नुकसान होता है तो वो विरोध करना उसका जायज़ है। आप कितनी तैयारी से हैं यहाँ पर आज, अगर कोई बड़ी बात होती है कितनी तैयारी से हैं? भगवान न करे कोई इस तरह की बात हो, ना अभी तक हुई है। दरअसल अभी 2 चरणों में देहरादून के सबसे व्यस्त रोड चकराता और मसूरी जाने वाले राजपुर रोड का भी अतिक्रमण हटाना अभी बाकी है। देखने वाली बात होगी कि देहरादून के इस सबसे पॉश इलाके में शासन प्रशासन के दावे के मुताबिक किस तरह से कार्यवाही करता है। पंजाब केसरी TV के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।